और इस वक्त देखिए आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त हम रख रहे हैं व्यास तहखाने की। ये तस्वीरें हैं, आपको याद होगा कोर्ट का फैसला आया था और कोर्ट के फैसले के साथ ही व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दे दी गई थी। ये पूजा अर्चना की गई थी जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर आप इस वक्त देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया था और बनारस कोर्ट में हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा गया था, जिसको लेकर लगातार मांग हो रही थी। देखिए ये जो व्यास जी का तहखाना है ये नंदी जी के ठीक सामने बहुत नीचे जाकर है और इसीलिए ये कहा गया था कि ट्रस्ट एक पुजारी को इसकी जिम्मेदारी देंगे और वही पुजारी व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा अर्चना करेंगे। इसके लिए ये कहा गया था कि 7 दिन के अंदर व्यवस्था करें, लेकिन ये व्यवस्था पहले कर दी गई और उसी के बाद की तस्वीरें आ चुकी है। हरेंद्र मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, ये किस समय पूजा हुई थी, ये तस्वीरें कब की है, कितनी देर तक पूजा चली और इसके बाद की प्रतिक्रियाएं तो खैर हम सुन ही चुके हैं, लेकिन ये कितना बड़ा मौका उन पुजारी के लिए भी रहा जिन्होंने इस पूजा को संपन्न किया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कल न्यायालय के आदेश के बाद तुरंत जो है जिला प्रशासन हरकत में आया और रातों रात जो है वहां की साफ सफाई करके पूजा पाठ शुरू करा दिया गया। और जैसा कि मैं महान जी के घर ही हूँ, कुछ लोग अभी उनसे बात कर रहे हैं, मेरा नंबर अभी 2-3 मिनट के बाद आएगा, तो इनका कहना है कि वहां पे जो